हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में। तो यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड फाइव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका है, द अर्थ 360 डिग्री एवरी ईयर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब इसमें ऑप्शन जो आते हैं वो आते हैं रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्ड या इज रिवॉल्विंग। तो इसका जो सही जवाब होता है वो होता है द अर्थ रिवॉल्व्स 360 डिग्री एवरी डे। रिवॉल्व्स आने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसलिए जाएगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट जितने भी होते हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाते हैं। तो पहला प्रश्न अगर ये आता है द अर्थ वाला, तो इस आपका जवाब होगा रिवॉल्व्स 360 डिग्री एवरी डे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है द मून द अर्थ, इसमें भी ऑप्शन होते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट इज ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटेड। अब देखिए यहाँ पे आपको हिंट कैसे पता चलेगी, हिंट पता चलेगी द अर्थ से। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अर्थ, द अर्थ, तो इससे पता चलेगा कि अपने को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ए सी आई एस, ठीक है? इसके बाद दूसरा, जैसे कि द मून, ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल। तो द मून के केस में भी क्या आ जाएगा, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, यहाँ ऑर्बिट्स आ जाएगा क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है। अगला है द ओशियंस, वापस से देखिए द ओशियंस, ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे डीप एंड कूल ऑप्शन दिए हैं, डीप एंड कोल्ड ऑप्शन दिए हैं, इज आर वॉज वर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस जो हम लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अलावा इस तरफ की अगर बात करें तो इज एम आर, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहां पर चूंकि ओशियंस प्लूरल है तो इसका जवाब आ जाएगा आर डीप एंड कोल्ड। चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि द ओशियंस इन सर्कुलर करंट्स, ऑप्शन है मूव, इज मूविंग, मूव्ड, मूव्स। यहाँ पे देखिए, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें द अर्थ के साथ हमने मूव्स लगाया था या रिवॉल्व्स लगाया था, एस लगाया था क्योंकि ये सिंगुलर था। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है उसमें जो ओशियंस लिखा है ये चूंकि प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा मूव, मूव इन सर्कुलर करंट्स। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मूव, ये वाला। और पांचवा प्रश्न जो है आपका वो द लैंड मूव्ड ऑन प्लेनेट्स नो एरर। तो इस क्वेश्चन की पहचान होगी द लैंड से, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट होने के कारण इसमें आ जाएगा आपका मूव्ड के प्लेस पे मूव्स। तो आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन यूनिवर्सल फैक्ट वाले क्लियर हुए होंगे। इनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है ये होती है आपकी अन अकेडमी पर। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, अन अकेडमी, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, गेट स्टार्टेड पर जाएँ, अपना मोबाइल नंबर डालें, कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव टेस्ट प्रिपरेशन में जाएँ, और इसके बाद यहाँ पर आप स्टेट पीएससी के अंदर गेट, यहाँ पर MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी में जाना है, और इसमें आपको मेरी क्लास मिलेगी। कोड लगाना है आपको श्याम3Live, श्याम3Live। जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो इसके बाद आप मेरी क्लास देख पाएंगे। यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी इंग्लिश मिल जाएगी। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होते हैं, लेक्चर के नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है गाइस? और क्लास का टाइमिंग होता है रोज़ सुबह 8 बजे और 9:30 बजे, जिसमें हम इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।